आपको भी ये चिंता लगी रहती है कि बीमार होने पर या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाने पर आप फंड्स कहाँ से अरेंज करेंगे। अगर आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं तो स्वागत है आपका हेल्थ एडवाइजर चैनल पर। क्लेम सेटलमेंट यानी कि कंपनी आपका क्लेम कैसे सेटल करेगी। सो यहाँ पे बेसिकली दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। पहला है इन हाउस, जहाँ पे कंपनी खुद से क्लेम सेटलमेंट करती है, और दूसरा है आपका TPA यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। हाउस वाली कंपनीज वो होती हैं जो आपका क्लेम खुद सेटल करती हैं, यानी कल के दिन अगर आपको क्लेम आता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंपनी को जमा करते हैं, कंपनी आपके बिल्स को वेरीफाई करती है और खुद ही आपके बिल्स के लेके एक डिसीजन लेती है। हाउस क्लेम सेटलमेंट वाली कंपनीज की अगर बात करें तो इसमें आ जाता है अपोलो मेनिक, मैक्स बुपा, रेलियर हेल्थ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ एंड आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, और भी कंपनीज हैं। जो पांच कंपनीज बताई हैं दीज आर द टॉप फाइव कंपनीज जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है। ये अगर बात करें TPA यानी कि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पे होता क्या है कि आपका जो क्लेम होता है अगर कल के दिन आता है तो उस केस में आप अपने ओरिजिनल बिल्स एक TPA को जमा करते हैं। TPA क्या करता है, कंपनी के बिहाफ पे आपको रिकॉर्ड्स को चेक करता है, आपके डिटेल्स वेरीफाई करता है एंड फिर आपको जो है उसको आगे कंपनी को फॉरवर्ड करता है, कंपनी उस पर फाइनल डिसीजन लेती है। सो बेसिकली होता क्या है, TPA वाली कंपनीज़ में आपको जो क्लेम सेटलमेंट होता है उसमें प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। नॉर्मली इन हाउस वाली कंपनीज जो होती हैं वो आपको क्लेम सेटलमेंट करके देती हैं 7 से 10 दिन के अंदर, तो वहीं TPA वाली कंपनी आपसे ले सकती है इसमें 15 से 20 दिन या फिर इससे ज़्यादा भी। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन यानी TPA वाली कंपनी की बात करें तो इसमें नाम आता है रॉयल सुंदरम। आपकी जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, न्यू इंडिया, ओरिएंटल, यूनाइटेड या नेशनल, ये सारी TPA वाली कंपनीज़ हैं, यानी इनका क्लेम सेटलमेंट कोई थर्ड पार्टी कराता है। कुछ TPAs के नाम बताना चाहूँगा आपको, जैसे कि पैरामाउंट, गुड हेल्थ, विडाल या फिर TTK। तो ये कंपनीज़ हैं जो आपको यहाँ पे रॉयल सुंदरम, यूनाइटेड, नेशनल, न्यू इंडिया, ओरिएंटल, इन कंपनीज़ के लिए आपका TPA की तरह काम करती है, थर्ड पार्टी की तरह। क्या आप भी सोच रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन लें या ऑफलाइन? अगर आपके मन में डाउट है ऊपर आई बटन पर क्लिक करके चेक करिए मेरा पिछला। बात यहाँ आती है कि कौन सी कंपनी लें, इन हाउस क्लेम सेटलमेंट वाली या फिर TPA वाली। मेरे हिसाब से इन हाउस वाली लेनी ज़्यादा रेलिवेंट रहेगी, बिकॉज यहाँ पे आपको क्या होता है कि कंपनी खुद क्लेम सेटल करके दे रही है, सो आपका जो क्लेम होता है वो जल्दी सेटल होता है और हैसल फ्री होता है। वहीं अगर TPA वाली की बात करें तो TPA में क्या होता है कि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए मुझे आपसे बात करनी है और वहीं पर अगर मैं कहूँ कि आपका एक कोई फ्रेंड है उसका नंबर शेयर करता हूँ मैं आपको, जब भी वो फ्री होगा तो वो आपको मेरे से बात करा पाएगा। सेम इज़ द केस हियर, TPA वाली कंपनी में क्या होगा कि अगर आपका कोई क्लेम आता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंपनी को जमा करोगे, दैट मीन्स TPA को रैदर। अब TPA क्या करेगी, आपके डिटेल्स को खंगालेगी, ठीक है, उसमें जो भी करेक्शन होंगे या फिर जो भी वो डिसीजन लेते हैं वो कंपनी को बताएंगे। अल्टीमेटली कंपनी अपना फाइनल डिसीजन बताएगी जिसमें हो जाता है प्रोसेस लंबा। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपको इन हाउस वाली कंपनी चाहिए या TPA। अनडाउटली आप जाना चाहेंगे इन हाउस वाली कंपनी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट करें। हाँ, अगर अभी तक आपने अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे न्यू वीडियो सबसे पहले। उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह मेरे साथ बने रहेंगे, आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा।